हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज बना रही हूँ मूंग का चीला, जो कि बच्चों के लिए झटपट, क्योंकि उसको खाने का मन कर रहा था कुछ अच्छा नया टेस्टी। तो मैं झटपट से चीला बनाऊंगी। वैसे हमारा सुबह का नाश्ता पानी सब टाइम से हो जाता है 7 बजे के करीबन, तो वो तो मैंने कर लिया है, पर अदरक को खाना था चटपटा। तो मैं बताती हूँ बच्चों के लिए किस तरह से आप चटपटा बना सकते हैं। ये मूंग की दाल है, इसमें थोड़ा थोड़ा स्वाद अनुसार नमक मिर्च मसाला और लहसुन वगैरह डाल के मैं बनाऊँगी, बहुत ही सिंपल। तो और जो खाने में होगा कुरकुरा क्रिस्पी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। रख देती हूँ तवा मैं गैस पे, तब तक ग्राइंड करती हूँ इसको, तो बने रहिए आप मेरे साथ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल जो होता है खाना नहीं चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। पर मैं इसी थोड़े मैंने रख दिया है यहाँ पर मूंग का चीला, उसको मैंने पीस दिया है अच्छा सा, पानी डाला है थोड़ा पतला करने के लिए, और यहाँ पर डाला मैंने ऑयल। ऑयल जो है मेरा बहुत ही कम है, ये थोड़ा लग रहा होगा, मैं तवे पे फैला दूंगी। और इसको मैं बनाती हूँ, तो आपको कैसा पसंद आएगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो मैं थोड़ा कम कर देती हूँ। और मैंने पता है ये चटनी भी बनाई थी पुदीने की, मेरे घर पे ही मैंने पुदीना लगा रखा है, और चटनी देखिए कितनी अच्छी लाजवाब है। तो कोशिश कीजिएगा आप भी कि हर चीज़ घर पे ही बनाइएगा, मतलब जैसे चटनी सॉस वगैरह, बहुत टेस्टी होता है और टेस्ट अलग टेस्ट आता है थोड़ा। तो कैसा लगा आपको मेरा बनाया हुआ चीला कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।